बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स और एटॉमिक फिज़िक्स के बारे में हैं। न्यूमेरिकल नंबर 18.5। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 10 मिनट है इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट। अगर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो इनिशियल काउंट रेट है वो 368 काउंट्स पर मिनट हो, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट्स रीचेस 23 काउंट्स पर मिनट। तो हमने वो वक़्त मालूम करना है जिस वक़्त काउंट रेट 23 काउंट्स पर मिनट हो जाए। इधर आप समझ लीजिए कि जो काउंट रेट है वो इनिशियल काउंट रेट जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है। इनिशियल काउंट रेट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इनिशियल क्वांटिटी है। फिर जो है इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है। मुख्तसर इसको हल करने का तरीका ये है कि इधर हमने लिखना है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट्स। मिनट्स को मुख्तसर MIN भी लिखा जा सकता है। उसके बाद इनिशियल काउंट रेट, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एन नाट से। एन नाट इज इक्वल टू 368। उसके बाद फाइंड द टाइम, हमने टी नाट मालूम करना है। यानी टी नाट इज इक्वल टू टी साइन ऑफ इंटरोगेशन फाइंड। उसके बाद हमारे पास एन है यानी फाइनल क्वांटिटी 23 काउंट्स पर मिनट। काउंट्स पर मिनट को हमने मुख्तसरन CPM लिखना है, काउंट्स पर मिनट। और इधर 23 काउंट्स पर मिनट। अब हमने फार्मूला लगाना है टी नाट इज इक्वल टू टी हाफ लॉग एन नाट ओवर एन। ओवर लॉग टू, ये जो फार्मूला है ये डिराइव्ड फार्मूला है। इसमें इस मेथड के ज़रिए इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है। और भी यूट्यूब में मुख्तलिफ मेथड से इसको हल किया गया है, लेकिन ये आसान तरीन तरीका है। इस फार्मूले को यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है। अब हम इस फार्मूले में ये ऊपर वाली वैल्यू को पुट करेंगे। टी नाट तो हमने मालूम करना है, ये वैसे ही रहेगा। टी हाफ की जगह हमने लगाना है 10 और इनटू
लॉग एन नॉट की जगह हम लगाएंगे 368 और एन की जगह लगाएंगे 23। नीचे उसी तरह आ जाएगा लॉग टू। अब हमने इसको मुख्तसर करना है, 23 का टेबल पढ़ना है। ये 23 16 टाइम्स जो है वो हो जाएगा 368। 10 इंटू लॉग ये हो जाएगा 16 ओवर लॉग 2। ये 368 जो है ये इस तरह आएगा, 368 इंटू 3 से कट करें तो ये आएगा 16। इस वजह से इधर 16 आता है। अब हम सिक्सटीन को पावर की शक्ल में लिख लेंगे, 2 raised to the power 4। उसके बाद हम इधर नीचे लग जाएगा लॉग टू। उसके बाद हम इधर पावर ला लगाएंगे, पावर ला जो लॉगरिथम का एक ला है, यानी के इधर आ जाएगा 4 पहले आ जाएगा और लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 2 बटा लॉग 2। इधर हमने लॉग का एक कानून लगाया है, वो ये लॉग जो है पावर ला, इधर जो हमने लगाया लॉग एम टू एम रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ला एन लॉग एम, ये वाला हमने इधर हमने लगाया है लॉग का कानून। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 40 मिनट, यानी कि टी नॉट आ जाएगा 40 मिनट। इस न्यूमेरिकल को हमने कैलकुलेटर के बगैर ही हल कर दी है, यानी कि जो लॉग के कानून है उनको अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेटर के बगैर हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ आ गया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आइंदा जो है वो इससे बेहतर जो है आसान आसान तरीके जो हैं वो आपको बता सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।